Hey guys, this is Rohit and I'm back with another video. अगर आपने मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, बिल्कुल फ्री है, उसका फायदा ये होगा जब भी अपनी वीडियो सोशल में अपलोड करूंगा तो आपको अपने पता चल जाएगा। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बैक की एक्सरसाइज पे, आप अपनी बैक को वाइडर, मस्कुलर, थिकर कैसे बना सकते हैं। तो आज मैं जो एक्सरसाइज बताऊंगा आप अपने परफॉर्म करो और आपकी बैक पे जल्दी रिजल्ट आएंगे। मेरी बैक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है मेरी बॉडी का, शायद जो मेरे साथ कनेक्टेड है बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, उनको पता भी होगा। तो आज देख भी लेना, जो नए मेंबर्स है वो देख लेना मेरी बैक। हर एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट लगाने हैं। रैप रेंजेस आप 8 से 10 के बीच में रखें, 6 भी रख ले अगर ज़्यादा हैवी है तो कमेंट में बार बार मत पूछना कि हम रैप कितने लगाए और अपनी सेट कितने लगाए। 4 सेट ज़्यादा से ज़्यादा और रैप रेंजेस 10 ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहली एक्सरसाइज करते हैं चिन-अप्स। मुझे तो अगर आपके जिम में ये वाला बार हो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो और नहीं तो आप सीधे वाली रोड भी यूज कर सकते हो। तो आपको थोड़ी पकड़ने इसको और चेस्ट पर लगानी है, चेस्ट। चौड़ा करना है तो आपको वो एक्सरसाइज लगाना बहुत जरूरी है जिससे आपकी बैक खींचे। आप ये एक्सरसाइज लगाओगे तो आपकी बैक ऊपर की तरफ खींचेगी, आप चिन-अप्स मारोगे तो आपकी बैक पीछे की तरफ खींचेगी। और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो थर्ड एक्सरसाइज हमको लगानी है वो है ये थर्ड एक्सरसाइज। और आपको कुछ ऐसी जिम में चीज मिलेगी, ये पता नहीं क्या है, कुछ मिलेगा ऐसा ही। और आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना पीछे, वेट ज्यादा हो गया बट कोई नहीं, तो बैक को स्ट्रेट रखना है एंड पीछे एंड पीछे। सकते हो जिससे आपकी बैक खींचे, अगर आपकी बैक खींचेगी तो वो और चौड़ी हो जाएगी। तो तीसरी एक्सरसाइज थी हमारी ये वाली। अब चलते हैं चौथी एक्सरसाइज की तरफ जो मैंने यहाँ पहले से ही सेटअप किया हुआ है। तो आपको एक बारबेल लेनी है, उसमें जितना वेट हो सके आप पहले चेक करके देख लेना आपसे कितना लगता है, आप वेट डाल लो और आपको आपको पैर को नॉर्मल रखना है, इसको पकड़ना है, उठ जाना है। फिर आपको करना क्या है, आप मेरी कमर को ध्यान से देखना, आपको अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, आप मोड़े ना, सीधा रखे एंड अप जो आप परफॉर्म कर सकते हो अगर आपको अपनी बैक को चौड़ा करना है। हाँ, सारी एक्सरसाइज मैंने बहुत जल्दी जल्दी करके दिखानी पड़ रही है क्योंकि अभी मेरी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, पहले मैं थका हुआ हूँ तो एक्सरसाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये थी चौथी एक्सरसाइज, चलते हैं पांचवी एक्सरसाइज की तरफ। तो पांचवी एक्सरसाइज आपको लगानी है
आप किसी भी जगह को ढूंढ ले जहां पर आप हाथ रख सकते हो सही से, तो आपको बिल्कुल अपनी बैक को टाइट रखना है, ढीला मत छोड़े अपने शरीर को, बिल्कुल बैक को टाइट रखे। बैक को बिल्कुल टाइट रखे एंड आपको अपने डंबल को ऊपर की तरफ उठाना है, ऊपर की तरफ। तो भाई लोगों ये थी वो पांच एक्सरसाइज जो आप परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको थिकर वाइडर और मस्कुलर बैक चाहिए तो। तो आज के लिए इतना ही है कि मेरी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना भूले, लाल कलर का बटन है भाइयों सांड बन के मेरी तरह और इसे तोड़ दो, सब्सक्राइब होना चाहिए। और जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरा नेम है रोहित कदरी फिटनेस के नाम से, जैसे यहाँ पर मेरा नाम है यूट्यूब पे रोहित कदरी फिटनेस के नाम से। तो आप मुझे जाकर अच्छा लगे तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं कल, टिल देन नॉट पीस इट्स डेज।